हेलो लिब्रा, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव मी। मैं यहाँ पर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन की। फर्स्ट थिंग ये सन और मून राइजिंग है, और सेकंड थिंग ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जिनसे भी रेजोनेट होता है उन्होंने ही रखना है। थर्ड थिंग लाइक ज़रूर करना, ओके, जिनसे भी रेजोनेट होता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके पर्सन की एनर्जी, टेन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आपके पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन हो गए हैं, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। सेल्फ लव कर रहे हैं, यहाँ पर निकल गए हैं, आगे मूव ऑन हो गए हैं। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, ये पर्सन ये रिलेशन नहीं चाहता है, ओके। हम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं गाइस, जो कार्ड्स आ रहे हैं मैं वही बता रही हूँ, सॉरी, बट जो आ रहा है वही बता रही हूँ। द मून, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए थे ऐसा उनको महसूस हुआ, उन्होंने बहुत ज़्यादा सेल्फ लव किया, मैंने पहले कहा था। और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा उन्होंने इनर वर्क किया था। सन द एम्प्रेस, यस, ये पर्सन आगे फ्यूचर के लिए, ग्रोथ के लिए और ट्रू डिजायर लव के लिए यहाँ पर मूव ऑन हो रहा है। लिब्रा पीपल, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उन्होंने जैसे डिवाइन को सरेंडर किया है खुद को, और द हर्मिट मैंने कहा ना, ये सेल्फ लव कर रहे हैं, इनर उनके एम्बिशंस जो भी होंगे यहाँ पर आपको मिस करते हैं कभी कभी, बट यहाँ पर वो जो ट्रू सोलमेट है, ट्रू डिजायर लव है उनके पास में, उनको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। एक उनके जीवन के यहाँ पर साइकिल खत्म हो गई है, यहाँ पर मैंने कहा वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो यहाँ पर नया क्रिएटिविटी, नया समथिंग न्यू, एवरीथिंग न्यू, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी उनकी आ रही है। लिब्रा पीपल, ओके, फोर ऑफ वॉन्ट्स, यस, वो पर्सन अपने ट्रू लव, ट्रू जो लॉन्ग अनकंडीशनल लव है उसके लिए आगे बढ़ रहा है ये पर्सन। ये पर्सन यहाँ पर नहीं रुक रहा है आपके रिलेशन में, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ये कन्फ्यूजन से बाहर निकल गया है। उनको पता चल गया है कि ये रिलेशन आपके साथ में, उनका रिलेशन ठीक नहीं था, उन्होंने यहाँ पर ये रिलेशन फिनिश किया है, ओके। यहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन, आपकी एनर्जी, सॉरी, टू ऑफ कप्स। आपकी एनर्जी यहाँ पर टू ऑफ कप्स की आई है, एट ऑफ वॉन्ट्स बॉटम ऑफ द डेक। आपने सरेंडर, आपने डिवाइन को सरेंडर किया है, आप भी इस रिलेशन से मूव ऑन हो चुके हो, आप भी डिजायर लव चाहते हो आपके लाइफ में, आप भी सच्चा प्यार चाहते हो, और उसी सच्चे प्यार के लिए आप खुशी से आगे बढ़ रहे हो, ओके। आप भी वही चाह रहे हो और वो पर्सन भी वही चाह रहा है, इसलिए यहाँ पर सेपरेशन हुआ है। मे बी ये भी हो सकता है क्योंकि उनके ट्रू सोलमेट अलग होंगे और आपके आपके ट्रू सोलमेट अलग हैं। यस, खुद को दोनों बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, स्ट्रेंथ बना रहे हो, ओके। यहाँ पर हम क्लैरिफाई करेंगे टू ऑफ कप्स को, प्लीज क्लैरिफाई द टू ऑफ कप्स, थैंक यू न्यूज, प्लीज क्लैरिफाई द टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ट्स। डेफिनेटली आप, मैंने वही कहा, आप भी ट्रू सोलमेट, ट्रू डिजायर लव के लिए आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपको पता है ये लो एनर्जी में था सिचुएशन। टू ऑफ कप्स, आप आपके ब्लॉकेजेस रिमूव कर रहे हो, और आप ये जो पास्ट की एनर्जी है इनके साथ में जो एनर्जी है, आप जस्टिस मांग रहे हो, और आप ये रिलेशन से दूर होते हुए नजर आ रहे हो। आपने बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिसीजन ये आपका लाइफ का लिया है, और आप एक नया वे चाह रहे हो, और आप सचमुच आप पास्ट की एनर्जी भूलना चाह रहे हो इनके साथ में, ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है। आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हो, आप गुड कर्मास करना चाहते हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, जो कि आपके लिए ये नहीं था। ग्रेट, वो पर्सन उनके ट्रू लव के लिए आगे जा रहे हो, और ट्रू सोलमेट के लिए आगे जा रहे हो, और आप आपके ट्रू सोलमेट के लिए आगे जा रहे हो। यहाँ पर हम देखेंगे फाइनल आउटपुट, थैंक यू यूनिवर्स, लिब्रा के लिए यहाँ पर फाइनल आउटपुट, थैंक यू सो मच यूनिवर्स,
नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, फोर ऑफ वंड्स। यस, आप ना सेलिब्रेशन चाहते हो आपके लाइफ में, और इसलिए आप ना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हो, वैसे चाहे तो लिब्रा। तो यहाँ पर गाइडलाइन ये आ रही है यूनिवर्स की कि आपके जीवन में पॉजिटिव होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर आपकी हीलिंग चल रही है, हीलिंग प्रोसेस चल रही है। ओके, प्लीज क्लैरिफाई द, यस मैंने कहा ना यहाँ पर हीलिंग चल रही है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में द वर्ल्ड का काड़ा है, द हैंगमैन। यस, आपकी अवेकनिंग भी हो सकती है, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। यस, आप स्ट्रेंथ बना रहे हो, आपको वर्क करना है खुद के ऊपर। ओके, आपको आगे बढ़ना है, आपके लिए एक डोर ओपन हो रहा है, आपके ट्रू सोलमेट के लिए, आपके ट्रू ट्विन फ्लेम के लिए भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर आप पूरे ब्लॉकेजेस आपको निकालना है और आगे बढ़ना है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर एनर्जी आई है, और आपको राइट पाथ, राइट जर्नी यहाँ पर जरूर मिलेगी। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं और आपको आगे निकलना है। डिवाइन कह रहे हैं कि ये रिलेशन यहाँ पर स्टॉप करके आपको आगे निकलना है। यस, द हेरोपेंट की एनर्जी, यस आपको रियलाइज हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका ट्रू सोलमेट कौन है, क्या है। आप वहाँ से राइट वे से राइट इनर वर्क करते हो, जैसा जितना जितना इनर वर्क करोगे आप, उतना उतना आपको पता चलेगा कि आपकी दुनिया बहुत अलग है, ये रिलेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। दोनों के भी पॉजिटिव कार्ड आया है, फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि दोनों के भी पॉजिटिव कार्ड आ रहा है। वो पर्सन उनके ट्रू सोलमेट के लिए यहाँ पर बहुत ही आगे, अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, और वो भी इनर वर्क कर रहे हैं, और आप भी यहाँ पर इनर वर्क कर रहे हो। यस, आप दोनों एक दूसरे के लिए यहाँ पर कार्मिक सोलमेट हो सकते हो गाइस। ओके, इसलिए यहाँ पर आपका सेपरेशन होते हुए नज़र आ रहा है, और उनके जीवन का, उनका डिज़ायर लव कुछ अलग है और आपके जीवन का डिज़ायर लव कुछ अलग है। दोनों के ट्रू सोलमेट डिफरेंट है, और इसीलिए आप दोनों यहाँ पर सेपरेट होते नज़र आ रहे हो। और डिवाइन कह रहे हैं कि आप राइट पाथ पर, राइट वे से जा रहे हो, और आप, आपका पहले पूरी तरह, पहले पूरी निगेटिव थॉट्स यहाँ पर पूरा रिलीज करना है, पूरी पास्ट एनर्जी रिलीज करना है। बिकॉज यहाँ पर लिब्रा आप ना लो एनर्जी महसूस कर रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है कभी कभी आप उनको मिस करते हो, आपको जैसे फील होता है कभी कभी आपका पास्ट एनर्जी आप यहाँ पर लाते हो, और तब आपको एकदम से ये फील होता है कि आपको ये मैनिपुलेट किया था उन्होंने, आपको ये आपके साथ में ये कार्मिक थे आपके साथ में, आपको ऐसे फील होता था कि ये पर्सन आपके साथ में क्यों सही नहीं था। आपने उनको बहुत अच्छा आपने उनको फॉलो किया, बट यहाँ पर फिर भी ये रिलेशन यहाँ पर क्यों मिस हो गया। तो ये भी आपको कभी कभी लगता है, और तब आप लो एनर्जी में चले जाते हो। तो यहाँ पर यही गाइडलाइन आ रही है कि ये निगेटिव एनर्जी आपको रिलीज करना है, आपको कोई भी थॉट्स नहीं रखना है, आपके ब्लॉकेजेस निकालने हैं, और आपके जो भी चक्रास है उसको हील करेंगे। तो आप अच्छे से वर्क ऑन करेंगे, इस हीलिंग पीरियड चल रहा है आपका, ठीक है। तो ये हीलिंग आप प्रॉपर वे से करते हो तो आपको आपका डिजायर लव, आपका ट्रू सोलमेट आपको ज़रूर मिलेगा। तो गाइज, यहाँ पर मैं ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, जिनसे भी रेजोनेट होते हैं प्लीज़ उन्होंने लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।